अल अमान एजुकेशनल सोसाइटी के तहत चलने वाले एबीसी स्कूलों के गरीब बच्चों के बीच सोसाइटी के निदेशक डॉक्टर इब्राहिम अल बुखारी ने सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े, स्वेटर एवं टोपियों का वितरण किया ताकि बच्चे इस कड़ाके की ठंड में भी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सकें। सोसाइटी की ओर से करीब 80 बच्चों को गर्म कपड़े प्रदान किया गया। इस मौके पर कई सामाजिक लोग भी मौजूद थे। इस दरमियान डॉक्टर इब्राहिम ने कहा कि आदिवासियों के बच्चों में शिक्षा का अलग जगाने के लिए एवं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने यहाँ स्कूल खोला है ताकि बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने के बाद बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। इस दरमियान डॉक्टर इब्राहिम ने इस इलाके की गरीबी एवं अशिक्षा को दूर भगाने के लिए सामाजिक लोगों से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है और अशिक्षा को मिटाने में जिनसे जितना हो सके अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है तब तक हम इस गरीबी और अशिक्षा से सही तरीके से निजात नहीं पा सकते हैं। अलामान एजुकेशनल सोसाइटी के तहत एबीसी स्कूल चल रहा है। ये गांव आदिवासियों का गांव है। यहां पर कोई पढ़ने का कोई बंदोबस्त नहीं है। तकरीबन हम लोग इसी साल यहाँ ये स्कूल कायम किए हैं जहाँ कोई पढ़ने का लिखने का कोई बंदोबस्त नहीं था। बच्चे ऐसे ही रास्ता में सब घूम रहे थे, खेल रहे थे। यहाँ पर देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक एबीसी स्कूल के नाम से खोला गया है जो समाज बहुत खुश हैं। बच्चों के पास कपड़े नहीं थे, जाड़े का भी कुछ ये नहीं था, इसीलिए सोचा कि एक ड्रेस भी एक ही हो जाए और बच्चों का जाड़े का भी लिबास हो जाए। तो इसी वजह से सब बच्चों को ये कपड़ा दिया गया, एक ड्रेस के देखने में भी अच्छा लगता है ताकि एक ड्रेस में हो, एक साथ में हो। ऐसे भी यहाँ बच्चे हमने इससे पहले देखा कि इतने गरीब हैं इस गाँव में, इतने गरीब हैं लोग कि बच्चों के चप्पल तक भी नहीं है, इतने गरीब हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ और लोग जुड़ें ताकि इन गरीब समाज का सेवा कर सकें। और आप लोग खुद आइए, इन लोगों का मुआयना कीजिए, देखिए इन लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है। इन लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है गांव में, उन लोगों को दिया जाए और बच्चों को, गाँव को, समाज को आगे बढ़ाएँ। बगैर शिक्षा से आगे नहीं बढ़ता समाज, न देश आगे बढ़ता है। इसीलिए यहाँ स्कूल खोल करके आज बच्चों को एक ड्रेस में देखा गया, देखने में कितना अच्छा लगता है माशाल्लाह। सब माशाल्लाह इसके गार्जियन हजरात भी, माँ बाप भी सब आए हुए हैं, बहुत खुश हैं सब एक ड्रेस में। अब आएंगे जाएंगे, गांव का एक रौनक खुलेगा और गांव का देखने में भी अच्छा लगेगा। मंडे को भी हम लोग प्रोग्राम रखे हैं जो यानी आओ मिलकर हाथ बढ़ाएँ, अशिक्षा और गरीबी मिटाएँ के तहत एक प्रोग्राम होगा। जो बच्चे अपने जो सीखा है वो अपना अपना कला पेश करेंगे, अपने अपने कुछ एक्शन पेश करेंगे जो गाँव वाले देखेंगे, सारे गांव वाले भी हाजिर होंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। इन लोग के बच्चा के बीच कपड़ा का वितरण किया। पैसा लिया आपसे? नहीं, पैसा का तो नहीं। क्या आपको खुशी महसूस हो रहा है? बहुत ना बहुत खुशी है। पहले क्या स्थिति था इस जगह का? पहले से जो कि अभी बहुत स्थिति सुधार हुआ और बच्चे लोग को भी देखते हैं पढ़ाई लिखाई में, यानी कि मन लगा के पढ़ रहे हैं। अच्छा। और जो कि अपना मेहनत भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कपड़ा वितरण हुआ है? कोई पैसा भी लिया गया? नहीं, पैसा वैसा कुछ भी नहीं। किसके द्वारा वितरण किया गया? मदानी साहब का। मदानी साहब के द्वारा। इससे पहले भी किया गया कि आज पहली मर्तबा कर रहा है? पहले मतलब अभी किया है। अच्छा। पहले से कुछ भी नहीं था। अच्छा। पहले बच्चों को भी पढ़ने में कुछ भी नहीं था, सुविधा नहीं था। अच्छा। यही नहीं, हम लोगों को दिया है सुविधा। अच्छा।